बेगूसराय सदर अस्पताल को फिर मिला एम्बुलेंस का एक सौगात, जिसका उद्घाटन विधिवत रूप से बेगूसराय जिला के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। हालांकि यह एम्बुलेंस निजी तौर पर एक एनजीओ कंपनी के द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है, जो पूर्व में ही जिला पदाधिकारी से बातें कर और इसका मशवरा लिए थे। हालांकि इस एम्बुलेंस के उपलब्ध होने पर जिला पदाधिकारी ने भी उन तमाम टीमों का आभार और शुक्रिया व्यक्त किया तथा तहे दिल से आभार व्यक्त किया कि चलिए रोगियों के लिए ही सही, गरीबों के लिए सही, लेकिन यह एक बहुत ही सुंदर काम है, सुंदर परिणाम है। क्या कुछ कहा जिला पदाधिकारी, सुनते हैं। जिला को एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है, द्वारा उसको प्राप्त किया गया है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा योगदान है। गिवन द फैक्ट दैट जो एजेंसी के द्वारा एम्बुलेंस चल रही है जिला में, कभी कभी ख़राब भी होती रहती है, तो सूचना आती है कि किसी PHC की एम्बुलेंस ख़राब है, जिस वजह से किसी मरीज़ को ससमय पहुँचाने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग दूसरे ब्लॉक से PHC से टैग करके भेजते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एम्बुलेंस, एक एक्स्ट्रा ऐसे हम लोगों के पास रहेगी तो और सुविधा होगी, तो इसके लिए मैं एजेंसी को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि अभी इस अतिरिक्त एम्बुलेंस को रखा जाएगा उन लोग रोगियों के लिए, उन मरीजों के लिए जिन्हें अति आवश्यकता हो, क्योंकि पूर्व से ही पूरे जितने भी ज़िले में रेफरल हॉस्पिटल हैं या सदर अस्पताल हैं, इन सबों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, वो भी निःशुल्क। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस खराब हो जाने के कारण या मरीजों की संख्या बढ़ जाने के कारण जब आपाधापी होती है, उस समय जब समस्याएँ उत्पन्न होती है, तो एक दूसरे अस्पतालों से मदद लिया जाता है, उस परिस्थिति में इस एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि विधिवत उद्घाटन के बाद मौके पर जो टीम थी, उस टीम ने जिला पदाधिकारी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन लोगों ने बताया कि पूर्व में ही जिला पदाधिकारी से इसकी स्वीकृति ली गई थी और उन्होंने सहमति दिया था कि यदि आप ऐसा उपलब्ध करा सकते हैं तो अपने आप में यह एक सौगात होगा। हालाँकि उस पूरे टीम का स्वागत एवं आभार जिला पदाधिकारी स्वयं किए और विधिवत रूप से फीता काटकर एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किए।